अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि जेई मेन 2017 में अपियर हुआ था, और ये प्रॉब्लम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है और साथ में इसमें डिटरमिनेंट भी यूज हो रहा है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपका कहा गया कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डेट 2 ओमेगा + 1 इक्वल टू जेड के इक्वल है, जेड की वैल्यू जो दे रखी है √(-3) दे रखी है। अब कहा गया कि ये डिटरमिनेंट 3k के इक्वल है, तो मुझे k की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। डिटरमिनेंट है 1 1 1 1 −ω²−1 ω², 1 ω², ω^7। सबसे ट्रिकी पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये नहीं बोला गया कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपका ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही आ जाएगा। कैसे देखिए, 2 ω + 1 will be equal to √(-3) लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे z की जगह पे मैं √(-3) लिख सकता हूँ, और √(-3) will be written iota √3, मतलब i√3 लिखा जा सकता है। तो ओमेगा will be equal to −1 + i√3/2। अब याद कीजिए ये एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली ओमेगा यहाँ से प्रूव हो गया कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। उससे पता चल गया कि प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज कर सकते हैं 1 ω + ω²=0, साथ में मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यहाँ पे ये होगा कि −ω²−1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा के इक्वल यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। −1 − ω² विल बी इक्वल टू ओमेगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ω^7 को मैं लिख सकता हूँ ω^6 इंटू ओमेगा, ω^6 1 के इक्वल होगा, तो ω^7 विल कम आउट ओमेगा। दैट मीन्स दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 1 1 1 1, इसकी जगह पे ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ω² और ये ओमेगा आ गया। अब को क्या करना है आपको, अब सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ पे आएगा 1 ω + ω², यहाँ पे आएगा 1 ω + ω². आपको पता ही कि 1 ω + ω² किसके इक्वल है, 0 के, तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, बाकी आपका वैसे ही सब कुछ रहेगा जैसा कि आपको दिख ही रहा है, और ये वाला एलिमेंट 3 हो गया। अब इस फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दे तो क्या होगा, 3 ω ω² − ω^4, तो ω² − ω^4, राइट बच्चों, तो राइट यहाँ पे, तो ω² − ω^4, ω^4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है यहाँ पे 1 के, तो ω² − ω आ गया। अब बात क्या यहाँ पे कि मैं इसको इसमें एक्सप्रेस करना चाहता हूं, कैसे करेंगे देखिए, यहां पे सिंपल सी बात है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं प्लेस कर सकता हूं −1 − ω यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। 1 ω + ω² = 0 है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं प्लेस कर सकता हूं −1 − ω, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 3 × −1 − 2 ω। −1 × −2 ω इट इज नथिंग बट −z, तो ये किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट आ गया आपका यहाँ पे −3z के इक्वल। इसका मतलब चूंकि ये डिटरमिनेंट 3k के इक्वल है, तो k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, −z के, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू −z, राइट। तो ये प्रॉब्लम हमने करा है, हालांकि इस प्रॉब्लम को और भी तरीके से किया जा सकता है, बट वो लेंदी अप्रोच हो सकता है। जब आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को 3 से 4 मिनट में बड़े आराम से इसको करा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस प्रॉब्लम का बेस्ट मेथड यही रहेगा जो कि मैंने आपके सामने रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।